हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने देखा कि बुकी का फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया था और एन भी मर चुका था। बुकी के कहने पर क्लास के सभी स्टूडेंट्स स्माइल करके एक्सरसाइज कर रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस बुकी का इंटेंशन पता करने की कोशिश कर रही थी। इंटरनेट पर सभी लोग इस सारी सिचुएशन को जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। माकबे और सातोमी आठ रूम में आते हैं और वो इबुकी से जापानीज फूड की रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज इबुकी का सेकंड लेसन है। क्लास में इबुकी सबको माइंड वॉइस की पोस्ट दिखाता है जो किसी एक्स ने पोस्ट की थी। इसमें से एक पोस्ट में एक्स ने लिखा था कि रेना के बैग में ड्रग्स मिली है। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी अटैच थी जो इबुकी सारी क्लास को दिखाता है। वीडियो में कोई पर्सन रेना के बैग में ड्रग्स दिखाता है और बाद में वो रेना की वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। इबुकी सबको बताता है कि ये एक फेक वीडियो है क्योंकि रेना ने कभी ड्रग्स यूज नहीं की, पर रेना ने इस वीडियो के कारण सुसाइड कर लिया क्योंकि मुझे रेना ने ये सब खुद बताया था। आज का टास्क था उस पर्सन को ढूंढना जिसने ये वीडियो पोस्ट की थी, और अगर वो पर्सन अपनी गलती खुद कन्फेस कर लेगा तो आज किसी को नहीं मरना पड़ेगा। ऑफिस में प्रिंसिपल सर डिटेक्टिव गुंजी को बताते हैं कि बुकी की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर एक टीचर थी, पर उसने रिजाइन कर दिया और उसका घर पर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। क्लास में सातोमी सबको बताता है कि शायद रेन जिंदा है क्योंकि आठ रूम में कोई डेड बॉडी नहीं थी। फ्लैशबैक्स में ओसामी रेना को अपना फेवरेट कैरेक्टर का हैंकी गिफ्ट करती है और उसके साथ फोटो क्लिक करती है, ये कहते हुए कि इस फोटो से मेरे और भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो रेना उसका हैंकी उसे वापस कर देती है। प्रेजेंट में काई अपनी गैंग के साथ फिर से इबुकी पर हमला कर देता है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आठ रूम चेक करना था, पर इबुकी आठ रूम पहुंच जाता है। अब डिटेक्टिव गुंजी फूमिका के घर पर जाते हैं उनसे कुछ बातचीत करने, जिस पर फूमिका के फादर इबुकी को एज अ हॉरिबल मैन बताते हैं। रात के 8 बजने वाले थे तो इबुकी क्लास में एंटर होता है, तभी उसे फूमिका की कॉल आती है, पर फूमिका का मोबाइल फोन डिटेक्टिव गुंजी के पास था। इबुकी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास उसका मोबाइल कैसे आया, तभी सारे बॉयज इबुकी को पकड़ कर उसकी वॉच उसे छीन लेते हैं और काई इबुकी को बहुत मारता है, पर इबुकी फिर से एक ब्लास्ट कर देता है क्योंकि असली वॉच अभी भी इबुकी के पास ही थी। अब इबुकी सबको एक जगह इकट्ठे होने को कहता है जहाँ पर बॉम्ब्स थे। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से कहते हैं कि जिसने भी ये वीडियो पोस्ट की थी प्लीज अपनी गलती कन्फेस कर दो। सबको बचाने के लिए साकुरा खुद का नाम ले लेती है, तो इबुकी उसे एक्स की आईडी का पासवर्ड पूछता है जो साकुरा को नहीं पता था क्योंकि उसने ये सब नहीं किया था। तभी ओसामी सबको सच बता देती है कि ये मेरा काम था और उसका बताया हुआ पासवर्ड भी सही होता है। साकुरा ओसामी से पूछती है कि तुमने रेना के साथ ऐसा क्यों किया। ओसामी उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि उसने मुझे छोड़कर तुम्हें अपना फ्रेंड बना लिया, इसीलिए मैंने रेना का स्विम सूट फाड़ दिया और उसकी विंडो तोड़ दी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। रेना ने ओसामी को समझाने की कोशिश भी की थी पर ओसामी ने उसे कहा था कि तुम मर जाओ। प्रेजेंट में ओसामी इबुकी को बताती है कि मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी क्योंकि मुझे इसकी डीवीडी अपने बैग में मिली थी। अपनी गलतियों को याद करके ओसामी रोने लगती है। इबुकी खुद उसे ये सब फील करने को बोलता है ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने रेना के साथ कितना गलत किया। इबुकी उसे बताता है कि रेना ने इतना कुछ होने के बाद भी कभी तुम्हें गलत नहीं कहा, वो तो तुम्हें अपना रियल फ्रेंड बनाना चाहती थी और ये सब उसने मुझे खुद बताया था, और अब तुम इस पेन को पूरी जिंदगी याद रखना। साकुरा उसे अपना हैंकी देते हुए बताती है कि रेना ने मुझे ये हैंकी देते हुए कहा था कि ये मेरी प्रीशियस फ्रेंड का फेवरेट कैरेक्टर है। ये सुनकर ओसामी और भी रोने लगती है और यहाँ पर इबुकी अपना आज का लेसन खत्म करता है। आठ रूम में काई इबुकी से रेन की डेथ का सबूत मांगता है, तो इबुकी उसे रेन का एक हाथ लाकर दिखाता है, तो वो सब डरकर वहां से चले जाते हैं, पर ये हैंड तो नकली था। इबुकी अपने लैपटॉप पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वीडियो देखता है, तभी उसे डिटेक्टिव गुंजी की कॉल आती है। इबुकी उन्हें 30% के लिए जापानीज फूड लाने को बोलता है और उसे मिलने की जगह बताता है। चीफ खुद ये काम करने को राजी हो जाते हैं। वॉशरूम में कोई पर्सन अपने मोबाइल से माइंड वॉइस पर सबको डिटेक्टिव गुंजी और इबुकी की सारी बातें बता देता है। माइंड वॉइस वाली बात ऑफिसर्स को भी पता चल जाती है, तो अब चीफ खाना लेकर इबुकी की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। चीफ के कोट पर माइक्रोफोन लगा हुआ था जिसके बारे में इबुकी को पता चल जाता है और इबुकी अपनी गन निकाल देता है। ये देखकर चीफ बहुत जोर से चिल्लाते हैं और चीफ का माइक्रोफोन भी नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से अब वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। इबुकी अपनी गन से चीफ पर अटैक कर देता है। अब हमें पता चलता है कि इबुकी और चीफ मिले हुए हैं और चीफ इसमें इबुकी की हेल्प कर रहे थे। दूसरे ऑफिसर्स को शक ना हो तो चीफ इबुकी से मुक्का खा लेते हैं। तब तीसरा दिन शुरू होता है और इबुकी सबको आज का टास्क बताने वाला था जिसमें उसने डिटेक्टिव गुंजी को भी कॉल लगाई हुई थी ताकि वो भी आज का टास्क सुन सके। इबुकी सबको ड्रग्स वाली फेक वीडियो दिखाता है
और आज का टास्क बताता है, जिसमें अब सबको उस पर्सन को ढूंढना था जिसने रीना की ये फेक वीडियो बनाई थी। इबुकी ये काम डिटेक्टिव गुंजी को सौंपता है, जिन्हें आज रात 8 बजे से पहले कल्प्रिट को ढूंढना होगा, वरना आज एक की बजाय 5 बच्चों की जान जाएगी। डिटेक्टिव गुंजी मसारू को ये वीडियो दिखाते हैं, जो उसे बताते हैं कि शायद ये मेरे क्लब में से कोई है, क्योंकि हमारा क्लब ही ऐसी जर्सी बनाता है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स कैरन पर ही इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि इन सबके अकॉर्डिंग कैरन रीना से जेलस करती थी, क्योंकि सब रीना पर ही ध्यान देते थे। पर कैरन सबसे कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। वॉशरूम में सामी साकुरा से पूछती है कि क्या तुमने स्विमिंग कंपटीशन वाले दिन स्विमिंग क्लब मेंबर्स के अलावा वहाँ पर कोई और स्टूडेंट को देखा था, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब फिर से कोई माइंड वॉइस पर डिटेक्टिव गुंजी और इबुकी की टास्क वाली बातें सबको बता देता है, और अब से हम इस पर्सन को इनसाइडर कहेंगे। डिटेक्टिव गुंजी को वीडियो में जर्सी पर ऑरेंज कलर का दाग दिखता है, जिसके बारे में अब वो पता लगा रहे थे। तभी डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर उन्हें माइंड वॉइस की चैट दिखाता है, तो डिटेक्टिव गुंजी माइंड वॉइस के जरिए इनसाइडर से बात करते हैं, और वो इनसाइडर उन्हें बताता है कि मैं क्लास ए का ही स्टूडेंट हूं और मैंने बहुत मुश्किल से अपना मोबाइल वॉशरूम में हाइड करके रखा है। डिटेक्टिव गुंजी उससे फेवर मांगते हैं और वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ ओमिका टेलीविजन पर इबुकी की न्यूज देख लेती है। इबुकी अपने लैपटॉप पर रीना की वीडियो देख रहा था, जिसमें कोई लड़का रीना को प्रपोज कर रहा था। क्लास के बाहर माकबे कैरन से पूछता है कि तुम रीना से इसलिए नफरत करती थी ना, क्योंकि मैं रीना को पसंद करता था। कैरन उसे कहते हैं कि तुम जैसे यूजलेस गाय के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। फ्लैशबैक्स में हम रीना को माकबे के साथ देखते हैं, जिसे वो साकुरा के बारे में पूछती है, क्योंकि तब वो साकुरा को नहीं जानती थी। माका भी उसे बताता है कि साकुरा ने ही मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने की एडवाइस दी थी। ये सुनकर रेना बहुत ही खुश हो जाती है। प्रेजेंट में साकुरा इजावा से सातोमी के बारे में पूछती है कि क्या तुमने सातोमी को कॉम्पिटिशन वाले दिन जर्सी में देखा था। तो इजावा उसे बताता है कि शायद मैंने उसे अपनी वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था। इसके बाद साकुरा सारी क्लास के सामने सातोमी को इसके बारे में पूछ लेती है। माका भी बताता है कि मैंने ही सातोमी को अपनी जर्सी दी थी ताकि वो पार्किंग के काम में मेरी जगह ले सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गुंजी इनसाइडर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सातोमी और कैरन से पूछो कि कंपटीशन वाले दिन उन्होंने क्या खाया था। तो वो इनसाइडर ऐसा ही करता है और डिटेक्टिव गुंजी को बताता है कि मैंने उनसे पूछ लिया है। रात के 8 बजने वाले थे, तो इबुकी क्लास में आता है और वो डिटेक्टिव गुंजी को कॉल लगाता है, और डिटेक्टिव गुंजी उसे बताते हैं कि सातोमी ने माकबे की जर्सी बोरो की थी और एक वर्कर ने ही उसे लॉक रूम तक का रास्ता दिखाया था, और ये सब हमें उस वर्कर से ही पता चला है। पर हमने सातोमी और कैरन से भी पूछा कि उस दिन उन्होंने क्या खाया था, और इन दोनों में से किसी ने टोमेटो जूस पिया था। तो हमारी कल्प्रिट है कैरन। कैरन कहती है कि मैंने तो उस दिन बस जेली ही खाई थी, और कैरन सच बोल रही थी। इबुकी डिटेक्टिव गुंजी को बताता है कि मैं तुम्हारी और इनसाइडर की चैट रीड कर रहा था, और वो लास्ट मैसेज जिसमें लिखा था कि कैरन ने टोमेटो जूस पिया था और सातोमी ने जेली खाई थी, वो मैसेज मैंने ही किया था। ये सुनकर डिटेक्टिव गुंजी शॉक हो जाते हैं। अब क्लास में सबको पता चल चुका था कि फेक वीडियो सातोमी ने ही बनाई थी। दरअसल सातोमी ने रीना को प्रपोज किया था, पर रीना ने मना कर दिया क्योंकि वो माकबे को लाइक करती थी। वापस घर जाते टाइम कोई पर्सन सातोमी के पास आता है। वो पर्सन सातोमी को रीना से बदला लेने के लिए उसकी वीडियो बनाने को बोलता है। बस इसीलिए सातोमी रीना की वीडियो बनाता है। उस समय रीना ने भी सातोमी को लॉकर रूम में देख लिया था। प्रेजेंट में इबुकी सातोमी से पूछता है कि क्या तुमने ये सब ड्रग्स वाली बात को फैलाने के लिए किया। सातोमी कहता है कि नहीं, मैं तो खुद सरप्राइज था क्योंकि किसी ने ये वीडियो एडिट कर दिया और मैंने उसामी के बैग में डीवीडी नहीं रखी थी। अभी बुकी सबको डिटेक्टिव गुंजी की स्टोरी सुनाता है, ये कहकर कि एक डिटेक्टिव जो कभी टीचर हुआ करता था और वो अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें मारा भी करता था, पर एक दिन उसके एक स्टूडेंट को दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने बहुत मारा और ये टीचर खुद को ब्लेम करता रहा क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को बचा नहीं सका, और फिर ये टीचर एक डिटेक्टिव बन गया। इस डिटेक्टिव ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। पर सातोमी तुम ऐसा नहीं कर पाए। ये सुनकर सातोमी को बहुत गुस्सा जाता है कि माकबे मुझसे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। माकबे सातोमी को दिलासा देता है, पर अभी बुकी अपनी गन निकाल लेता है और वो 5 स्टूडेंट्स को अपने साथ 8 रूम में बुलाता है। सातोमी बहुत गिल्टी फील कर रहा था, तो वो भी इबुकी के साथ जाने को रेडी हो जाता है। तो इबुकी अब 5 स्टूडेंट्स को अपने साथ 8 रूम में ले जाता है। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए डिटेक्टिव गुंजी स्कूल की तरफ भागते हैं। 8 रूम में इबुकी सबको लाइन में खड़ा करता है और ब्लास्ट कर देता है। काई और बाकी सब ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं। डिटेक्टिव गुंजी इबुकी से कहते हैं कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। इनसाइडर फिर से माइंड वॉइस पर मैसेज करके सबको बता देता है कि 5 स्टूडेंट्स मर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम 5 स्टूडेंट्स को एक जगह बेहोश देखते हैं, जिनमें से सातोमी को होश आ चुका था और वो उठकर अपने सामने रैन को देखता है जो अभी जिंदा था। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है, और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, see you again. Out of your mouth, you wish.
sound.